हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम कुछ की टर्म देखते हैं। सबसे पहले एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होती हैं? दीज ड्रग आर यूज टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। ऐसी ड्रग्स जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। एंटी प्रूराइटिक्स, तो जो ड्रग जो इचिंग को इचिंग से रिलीफ देती हैं। एंटी इमेटिक ड्रग जो नोजिया और वोमिटिंग को प्रिवेंट करती है। एंटीबायोटिक ड्रग्स जो कि लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं, उनको डिस्ट्रॉय करती है और उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करती है। और एनाल्जेसिक, तो एनाल्जेसिक वो होती हैं जो कि पेन को कंट्रोल करने के काम आती है। एंटीपायरेटिक्स, तो एंटीपायरेटिक्स क्या होती हैं? जो कि फीवर को रिड्यूस करती हैं। एंटासिड, तो एंटासिड क्या होती है? वे ऐसे सब्सटेंस जो कि गैस्ट्रिक सिक्रीशंस की एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं। डाईयूरेटिक्स, डाईयूरेटिक्स का क्या मतलब है? जो कि यूरिन फ्लो को इनक्रीज करते हैं। इमेटिक्स, तो इमेटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि वोमिटिंग को इंड्यूस करती हैं, ठीक है। और एंटी इमेटिक वो होती हैं जो कि वोमिटिंग को रोकती हैं, ठीक है। उसके बाद में हिप्नोटिक्स, तो हिप्नोटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि स्लीप को इंड्यूस करती हैं, ठीक है। उसके बाद में मेडिसिन, मेडिसिन किसको कहते हैं? कि ऐसे सब्सटेंस जो कि डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और किसी डिजीज से प्रिवेंशन में हेल्प करें, ठीक है। और उसके बाद में स्टिमुलेंट्स, तो स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं? विच इंक्रीज द फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन, ठीक है। तो कि किसी ऑर्गन की फंक्शनल एक्टिविटी को इंक्रीज करें। तो ये थे कुछ की टर्म्स। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में द वेन The client are getting ill with acute or chronic problem, seek various health modalities to restore and maintain their, मतलब जब कोई client बीमार होता है, ill होता है, तो उसको कुछ acute और chronic problems होती हैं, ठीक है। और जिनकी वजह से क्या होता है कि कुछ वेरियस मॉडलिटीज़ के कारण, हेल्थ मॉडलिटीज़ के कारण उसकी जो नॉर्मल हेल्थ थी पहले, उसको मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो मेडिसिन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको यूज करके डायग्नोसिस किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योर किया जाता है, ठीक है, रिलीफ और प्रिवेंशन किया जाता है जो भी हेल्थ चेंजेस हो रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो जो ड्रग है वो मतलब कैसे भी दी जा सकती है, ठीक है। तो जैसे कि हॉस्पिटल्स में दी जा सकती है, नर्सिंग होम में, कम्युनिटी सेंटर्स में, या फिर पेशेंट के होम में भी दी जा सकती है, ठीक है। और जो नर्स है उसका वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने में, ठीक है। तो नर्स है, उसकी नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेडिसिन के इफ़ेक्ट को देखे, क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस को देखे, ठीक है। और हॉस्पिटल्स में क्या होता है, जो नर्सेज होती हैं वो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत टाइम स्पेंड करती हैं, ठीक है, पेशेंट्स के ऊपर। और जो होम, अगर होम में अगर क्लाइंट मेडिसिन ले रहा है अपने होम में, तो वो खुद ही मेडिसिन लेता है, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से मेडिसिन लेता है। उसके बाद में देखते हैं रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन। कौन कौन से रूट हैं जिनके द्वारा हम मेडिसिन को दे सकते हैं? तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन डिपेंड ऑन मेडिकेशन प्रॉपर्टी। तो डिपेंड करता है कि मेडिकेशन की प्रॉपर्टी क्या है और जो डिज़ायर थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट क्या आने हैं क्लाइंट की फिजिकल और मेंटल कंडीशन पे, ठीक है। देर आर वेरियस रूट ऑफ एडमिशन, तो बहुत से रूट हैं, तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ओरल रूट, तो ये सबसे ईजीएस्ट और मोस्ट कॉमन रूट है मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन करने का। तो इसके द्वारा क्या होता है, जो मेडिसिन होती है वो माउथ से दी जाती है और स्वालोइंग बाय एनी फ्लूड मतलब वाटर, जूस, किसी के साथ भी जो स्वालोइंग की जाती है। तो ओरल मेडिकेशन हैज़ ए
स्लोअर ऑनसेट ऑफ एक्शन। तो ओरल मेडिकेशन का क्या होता है कि जो एक्शन होता है वो स्लोअर होता है, ठीक है, वो धीरे धीरे एक्शन करती है और मोर प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट देन पेरेंटल मेडिकेशन। और इसका जो इफेक्ट है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है पेरेंटल मेडिकेशन के सिवाय, इसका जो इफेक्ट होता है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है। इफ फर्दर इंक्लूड सबलिंगुअल एंड सब बक्कल, तो जो ओरल मेडिकेशन है उसमें सबलिंगुअल और सब जो बक्कल रूट है वो भी इसके डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले सबलिंगुअल देखते हैं। तो सबलिंगुअल में क्या होता है, जो कुछ ऐसी मेडिसिन जो कि अंडर द टंग प्लेस करी जाती है, ठीक है, जीभ के नीचे जो रखी जाती है, और ऐसी मेडिसिन क्या होती है कि जो इजीली डिजोल्व हो जाती है और अपने आप एब्जॉर्ब हो जाती है। तो जो सबलिंगुअल रूट से जो मेडिकेशन दी जाती है वो स्वालो नहीं की जाती है, क्योंकि उनका जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है वो चेंज हो जाता है। अगर वो स्वालो, अगर कोई ड्रग सबलिंगुअल लेनी है उसको अगर स्वालो कर लेगा पेशेंट, तो उसका जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट आना है वो नहीं आ पाता है, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन, तो नाइट्रोग्लिसरीन ऐसी ड्रग है जो सबलिंगुअल दी जाती है, ठीक है। और नाइट्रोग्लिसरीन कब देते हैं, जब पेशेंट को चेस्ट पेन होता है तब देते हैं। तो चेस्ट पेन मतलब जो कार्डियक प्रॉब्लम हो जिसमें एंजाइना पेक्टोरिस जैसी प्रॉब्लम होती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, उनमें नाइट्रोग्लिसरीन दी जाती है। डू नॉट गिव एनी फ्लूड टू ड्रिंक अंटिल मेडिसिन इज डिजोल्व कम्प्लीटली, मतलब जब तक कि मेडिसिन है जो अपने आप डिजोल्व नहीं हो जाती जब तक कोई भी फ्लूड नहीं दिया जाता है। उसके बाद सेकेंड है बक्कल एडमिनिस्ट्रेशन। तो बक्कल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि जो मेडिसिन होती है वो माउथ में ही रखी जाती है, ठीक है। तो कहाँ रखी जाती है, वो चीक की तरफ रखी जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना चीक की, उधर रखी जाती है। तो जब तक कि मेडिसिन डिजोल्व नहीं हो जाती अपने आप, तब तक उसको वहीं रखा जाता है, ठीक है। तो पेशेंट आर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू चू, मतलब पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो मेडिसिन को चबाए नहीं, उसको निगले नहीं, ठीक है, या फिर कोई ड्रिंक नहीं पिए, किसी ड्रिंक के साथ लिक्विड के साथ उसको निगल नहीं जाए, ठीक है। इट एक्ट लोकली ऑन म्यूकोसा एंड सिस्टमेटिक व्हेन स्वॉलोड इन द पर्सन सलाइवा, तो जो पेशेंट की जो सलाइवा होती है वो उसके थ्रू जब ये एब्जॉर्ब होती है मेडिसिन, तो वो जो सिस्टमेटिक इफेक्ट होता है उसका वो दिखाना शुरू कर देती है, ठीक है। तो लोकल इफेक्ट भी दिखाती है म्यूकोसा और सिस्टमेटिक इफेक्ट भी दिखाती है। जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं ये ओरल कैविटी है, इसके अंदर बक्कल है, बक्कल की तरफ इनसाइड द चीक में रखी जाती है, और सेकंड सबलिंगुअल, सबलिंगुअल अंडर द टंग रखी जाती है। उसके बाद में पेरेंटल रूट, तो पेरेंटल रूट में सेकंड पहला था ओरल, सेकंड है पेरेंटल रूट। तो पेरेंटल रूट में जो इंजेक्शन, जो मेडिसिन होती है वो इंजेक्ट के रूप में दी जाती है, ठीक है। तो इंजेक्ट किया जाता है मेडिसिन को इनटू ब्लड, इनटू बॉडी टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो पेरेंटल रूट रेफर्स टू द ड्रग मेडिसिन दैट आर गिवन बाय इंजेक्शन और इन्फ्यूजन डायरेक्टली इनटू बॉडी टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। डायरेक्टली बॉडी टिश्यू और ब्लड वेसल्स में डायरेक्टली इनको इंजेक्ट किया जाता है, जैसे कि आर्टरी में, पेरिटोनियम में, या हार्ट टिश्यू में, स्पाइनल कैनाल में, या फिर बोन्स में, ठीक है। तो पेरेंटल मीन्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन बाय एनी रूट अदर देन दी ओरल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रूट, ठीक है। द फोर रूट ऑफ नर्स कॉमनली यूज टू एडमिनिस्टर पेरेंटल मेडिकेशन, फोर रूट कॉमनली होते हैं पेरेंटल मेडिकेशन के। सबसे पहला होता है सब क्यूटेनियस रूट, तो जो जो सबक्यूटेनियस जो लेयर होती है, जो डर्मिस, जो स्किन की जो डर्मिस लेयर होती है उसके नीचे होती है ना सबक्यूटेनियस लेयर, उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है। सेकंड होता है इंट्रा मस्कुलर रूट, तो जो लार्ज मसल्स होती हैं उनके अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इंट्रावेनस रूट, तो वेन्स के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। और इंट्रा डर्मल रूट, तो जो डर्मिस के नीचे जो
जो एपिडर्मिस के नीचे जो डर्मिस होती है उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले इंट्राडर्मल, तो इंट्राडर्मल एपिडर्मिस, डर्मिस के अंदर, ये एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस, तो इसके अंदर ये इंजेक्ट किया जा रहा है। तो ये जो नीडल के जो एंगल है वो 10 टू 15 डिग्री एंगल पे रखा जाता है, ठीक है। और सेकेंड है सबक्यूटेनियस रूट, तो इसमें जो नीडल का एंगल है वो 45 डिग्री एंगल रखा जाता है। और इंट्रा मस्कुलर, क्योंकि ये डीप टिश्यू में जाता है तो इसलिए नीडल का एंगल 90 डिग्री पे रखा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है, सम मेडिसिन आर एडमिनिस्टर इन टू बॉडी कैविटी, तो कुछ मेडिसिन होती है वो बॉडी कैविटीज में भी एडमिनिस्टर की जाती है, ठीक है। तो कि देखिए, तो सबसे पहले है एपिडुरल रूट, तो एपिडुरल रूट जो होता है, तो जो एपिडुरल स्पेस होता है उसके अंदर मेडिसिन एडमिनिस्टर की जाती है वाया ए कैथेटर विच प्लेस बाय एनेस्थेलोजिस्ट, मतलब जो एनेस्थेलोजिस्ट होता है वो एपिडुरल रूट को ही परफॉर्म करता है, ठीक है। तो एडमिनिस्टर जो पोस्ट ऑपरेटिवली एनाल्जेसिक्स होती हैं उनको एडमिनिस्टर करने के लिए एपिडुरल रूट का यूज किया जाता है। उसके बाद में इंट्राथीकल रूट, तो इंट्राथीकल जो रूट होता है उसमें जो सब एरेक्नोइड स्पेस होता है या फिर वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन में, उनके अंदर ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो मेनली ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू इसको दिया जाता है, तो सब एरेक्नोइड स्पेस में मेडिसिन को एडमिनिस्ट किया जाता है। उसके बाद थर्ड है इंट्रा ओसियस रूट, तो इंट्रा ओसियस में क्या हो जाता है, जो मेडिसिन है वो डायरेक्टली बोन मेरो में इंजेक्ट की जाती है, ठीक है। तो ये मेनली इन्फेंट और टोडलर्स में यूज किया जाता है, क्योंकि उनमें जो इंट्रावेनस इंट्रावास्कुलर स्पेस होता है वो इंट्रावास्कुलर स्पेस जो होता है इन्फेंट और इन टोडलर्स में वो पुअरली असेस होता है, इसकी वजह से ये जो है बोन मेरो में इजीली इन्फ्यूज किया जाता है मेडिसिन को। उसके बाद में इंट्रा पेरिटोनियल रूट, तो जो पेरिटोनियम कैविटी होती है उसके अंदर एडमिनिस्टर की जाती है मेडिसिन, और पेरिटोनियम कैविटी के थ्रू जो सर्कुलेशन में है वो बाद में वो जो मेडिसिन है वो सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी कुछ एंटीबायोटिक्स और कुछ कीमोथेरेपेटिक्स का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में इंट्रा प्लूरल रूट, तो इसमें क्या होता है कि जो सेस्ट वॉल होती है उसके अंदर डायरेक्टली प्लूरल स्पेस में जो मेडिसिन है उसको एडमिनिस्टर किया जाता है थ्रू सेस्ट वॉल, तो इसके अंदर कुछ कीमोथेरेपेटिक्स एंटीबायोटिक्स को दिया जाता है, ठीक है, इस रूट के थ्रू। तो जो प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन होती है, जो परसिस्टेंट प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन है उसको रिजोल्व करने के लिए इंट्रा प्लूरल रूट से मेडिसिन दी जाती है। उसके बाद में इंट्रा आर्टेरियल रूट, तो इंट्रा आर्टेरियल रूट, तो इसके अंदर क्या होता है कि डायरेक्टली आर्टरीज में मेडिकेशन एडमिनिस्टर की जाती है, कॉमनली यूज क्लाइंट हु हैव आर्टेरियल क्लॉट, जो मतलब कुछ मेडिसिन कुछ पेशेंट जैसे आर्टेरियल क्लॉट्स की प्रॉब्लम होती है जिनकी आर्टरी में क्लॉट बने होते हैं, तो उन क्लाइंट्स को इंट्रा आर्टेरियल रूट से मेडिसिन दी जाती है क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए या डिजोल्व करने के लिए। उसके बाद में इंट्रा कार्डियक रूट, तो इंट्रा कार्डियक रूट में क्या होता है कि जो इंजेक्शन और मेडिसिन है उनको डायरेक्टली हार्ट मसल्स या वेंट्रिकल्स में इंजेक्ट किया जाता है, तो ये रूट मेनली इमरजेंसी के टाइम ही यूज किया जाता है, कॉमनली इसको यूज नहीं करते। उसके बाद में इंट्रा आर्टिकुलर रूट, इंट्रा आर्टिकुलर रूट में क्या होता है कि जो इंजेक्शन होता है वो जॉइंट कैविटीज में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो एक्यूट अर्थराइटिस की जो कंडीशन होती है उसके अंदर जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं उनके इंजेक्शन जो है जॉइंट कैविटीज़ में लगते हैं। उसके बाद में होता है टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ड्रग्स का टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन, तो टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि ऐसे मेडिसिन जो कि स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई की जाती है, ठीक है, जो कि लोकल इफेक्ट को दिखाती है,
अगर क्लाइंट की स्किन थिन है तो सिस्टमेटिक इफ़ेक्ट भी आ सकते हैं उससे, ठीक है। तो लोकल इफ़ेक्ट तो आएंगे आएंगे, अगर पेशेंट की स्किन थिन है तो सिस्टमेटिक इफ़ेक्ट भी आते हैं, ठीक है। और उसके बाद में इसको कुछ डिफरेंट वे हैं जिसके थ्रू इसको अप्लाई किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट है डायरेक्टली अप्लाई ए लिक्विड और ऑइंटमेंट, जैसे कि डायरेक्टली कुछ लिक्विड या ऑइंटमेंट को अप्लाई करना, इसके एग्जांपल है गार्गल्स करना या स्वेबिंग द थ्रोट, ठीक है। उसके सेकंड इंसर्टिंग द मेडिसिन इनटू बॉडी केविटी, तो बॉडी केविटी के अंदर ही मेडिसिन को इंसर्ट करवाना, जैसे कि सपोजिटरी इन रेक्टम और वेजाइना, ठीक है। तो सपोजिटरी होती है उसको रेक्टम में इंसर्ट करना या फिर वेजाइना में इंसर्ट करना। उसके बाद में इंस्टिलेशन फ्लूड इनटू बॉडी केविटी, जो फ्लूड है उनका इंस्टिलेशन करना बॉडी केविटी, जैसे ईयर ड्रॉप्स डालना, जैसे ईयर नाक कान में जो ड्रॉप डालते हैं ना उनको इंस्टिलेशन बोलते हैं, तो ईयर ड्रॉप, नेजल ड्रॉप या फिर ब्लैडर या रेक्टम इंस्टिलेशन करना। उसके बाद में इरीगेशन करना, इरीगेशन ऑफ बॉडी कैविटीज, जो बॉडी कैविटीज हैं उनका इरीगेशन करना। तो कैसे, जैसे इरीगेशन ऑफ आईज, नोज, ईयर, वेजाइना, ब्लैडर और रेक्टम, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है स्प्रे बाय नोज एंड थ्रोट, तो स्प्रे करना नोज या फिर थ्रोट में, जो नोज के जैसे सर्दी जुकाम के टाइम पे जो स्प्रे आते हैं उन, वो इसके एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद में इनहेलेशन रूट, तो इनहेलेशन रूट में क्या होता है कि जो मेडिसिन है वो नेजल पासेज या फिर ओरल पासेज या ट्यूब्स के थ्रू पेशेंट के जो ट्यूब्स होती हैं वो पेशेंट के माउथ में प्लेस रखी जाती हैं, जो कि ट्रेकिया तक जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनहेलेशन रूट देते हैं, मतलब इनहेलेशन नेजल पैसेज से दे सकते हैं, ठीक है, ओरल पैसेज से दे सकते हैं और ट्यूब से भी दे सकते हैं। जो ट्यूब होती हैं वो माउथ में या फिर नोज में जो पेशेंट में होती हैं, जो ट्रेकिया तक जाती हैं पेशेंट के, उनके अंदर इनहेलेशन रूट दिया जाता है। और ऐसी जो मेडिकेशन होती है उनका लोकल और सिस्टमेटिक इफेक्ट दोनों उसमें आते हैं। उसके बाद में इंट्रा ओक्यूलर रूट, तो इंट्रा ओक्यूलर रूट का मतलब क्या होता है कि आईज में, मतलब जो मेडिकेशन है जो कि पेशेंट की आईज में एडमिनिस्टर करना, ठीक है। जैसे ग्लूकोमा की कंडीशन होती है तो जो पिलोकार्पिन मेडिसिन है उसका यूज किया जाता है उसको ट्रीट करने के लिए, तो उसका जो कॉन्टेक्ट लेंसेज होते हैं उनके ऊपर इसका यूज होता है, ठीक है। इसका इफेक्ट लेंसेज के ऊपर होता है मेडिसिन का। तो ये हमने पढ़ लिया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। थैंक यू।